गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉलिड्स। येस्टरडे वी हैव कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2। होप यू हैव डन योर होमवर्क। सॉलिड्स के अंदर थ्री डायमेंशनल फिगर्स आएंगी। सॉलिड के अंदर कौन सी फिगर्स आएंगी? थ्री डायमेंशनल फिगर्स, नॉट लाइक प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स सॉलिड के अंदर नहीं आएंगी, ओके? ओनली थ्री डायमेंशनल फिगर्स आएंगे। थ्री डायमेंशनल कौन सी होंगी? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। ये सभी कैसे फिगर्स हैं? थ्री डायमेंशनल फिगर्स, या फिर हम इनको बोलते हैं 3D फिगर्स। प्लेन फिगर्स कौन सी होती है? लाइक रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल। ये सभी कैसे फिगर्स हैं? प्लेन फिगर्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके? नाउ अब हम सॉलिड की डेफिनेशन पर चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड ए सॉलिड। कोई ऑब्जेक्ट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलेंगे सॉलिड। कोई ऑब्जेक्ट जब स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड, ओके? अब ये किसकी फिगर है? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के अंदर ऑल फेसेस आर रेक्टेंगुलर। सभी फेसेस कैसे होंगे? रेक्टेंगुलर की शेप में होंगे। रेक्टेंगुलर मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगुलर के अंदर वो क्या होंगे? इक्वल। अब इस साइड की अपोजिट कौन सी है? ये साइड। ये दोनों साइड इक्वल होंगी। और इसकी अपोजिट कौन सी होगी? ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। किसकी फिगर है ये? क्यूबॉइड की। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं लंच बॉक्स या फिर ट्रक, उसकी शेप कैसी होगी? क्यूबॉइडल जैसी, ओके? नेक्स्ट क्या है? क्यूब। क्यूब के अंदर ऑल फेसेज आर स्क्वायर। सभी फेसेज कैसे होंगे? स्क्वायर की शेप में। स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। फोर साइड्स आर इक्वल। 1, 2, 3, 4। फोर साइड क्या होंगी क्यूब के अंदर? इक्वल होंगी, ओके? फॉर एग्जाम्पल डाइस। डाइस कैसी फिगर है? क्यूब जैसी फिगर है। डाइस के अंदर सभी फेसेस कैसे होंगे? स्क्वायर के होंगे। मीन्स ऑल साइड्स क्या होंगे उसके अंदर? इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्या? सिलेंडर। सिलेंडर पर यहाँ कैसी शेप होगी? क्राउड शेप होगी। यहाँ भी कैसी शेप होगी? ये क्राउड शेप होगी। फॉर एग्जांपल सिलेंडर के लिए जो हम अपने घर के अंदर सिलेंडर का यूज करते हैं, ओके? नेक्स्ट क्या है? कोन। कोन के अंदर यहाँ कैसी शेप आएगी? क्राउड शेप आएगी। कैसी फिगर दिख रही है ये? कौन के जैसे दिख रही है। कौन? फॉर एग्जाम्पल कौन जो हम आइसक्रीम खाते हैं वो किसकी शेप होगी? कौन की शेप होगी। नेक्स्ट क्या है? स्फीयर। स्फीयर के अंदर यहां पर ये कैसी शेप आएगी? क्राउड जैसी शेप आएगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लोब। अब हम यहां पर देखते हैं सॉलिड शेप की जो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं। फर्स्ट हमें ये दिख रहा है क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। किसकी शेप दिख रही है? जो हमारा लंच बॉक्स होता है उसके कवर जैसी दिख रही है। अब इसके अंदर जो अपोजिट साइड है वो क्या दिख रही है? इक्वल दिख रही है। ये किसका एग्जांपल होगा? क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्या है ये? डाइस। डाइस किसका एग्जांपल होता है? क्यूब का होता है। डाइस के अंदर सभी फेसेज कैसे होंगे? स्क्वायर की शेप में होंगे। नेक्स्ट क्या? ये कॉनिकल ऑब्जेक्ट। ये क्या है? कोन है जो आइसक्रीम का होता है। ये किसकी शेप में है? कोन की शेप में है, कॉनिकल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। जो हमारा सिलेंडर होता है ये उसकी शेप में दिख रहा है जो हम घर के अंदर यूज करते हैं। ये कैसा हो गया? सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। कैसा है ये? ग्लोब। ये कैसी दिख रही है शेप हमें? स्फेरिकल जैसी, ओके? नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा? प्लेन एंड क्राउड सरफेसेज। प्लेन सरफेस कौन से होते हैं और क्राउड सरफेस कौन से होते हैं? प्लेन एंड क्राउड से पहले हम देखते हैं सरफेस क्या होता है। द पार्ट ऑफ ए सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड का पार्ट जिसको हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस बोलेंगे, ओके? जिसको हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, ओके? उसको हम बोलते हैं सरफेस। फॉर एग्जाम्पल अब ये नोटबुक है। नोटबुक के ऊपर ये क्या सरफेस? इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? सरफेस हो जाएगा, ओके? अब हम देखते हैं कि प्लेन सरफेस कौन से होते हैं और क्राउड सरफेस कौन से होते हैं। जो हमें फिगर गिवन है, फर्स्ट कौन सी फिगर है? स्केल। अब स्केल और जो नोटबुक है ये कैसी शेप के अंदर है? कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस। बिकॉज अब ये पेपर है, अब ये कैसी शेप दिख रही है हमें? बिल्कुल प्लेन है।
कैसा आएगी, किसमें आएगी, ये प्लेन के अंदर, ये स्केल है, स्केल के ऊपर हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेन है। ओके, कैसे सरफेसेस हैं ये, प्लेन सरफेसेस। नेक्स्ट क्या है, ये एक क्रिकेट बॉल है और एक बैलून है। अब इनके अंदर कैसी शेप है, क्राउड शेप। क्राउड शेप मीन्स जो राउंड के अंदर है। ओके, कैसे सरफेस हो गई ये, क्राउड सरफेस। नेक्स्ट ये हमें गिवन है कैन, जूस की कैन। जो जूस की कैन के ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का पार्ट होता है, वो कैसा होगा, प्लेन सरफेस। और जो बीच में जो कैन होती है वो कैसी होती है, राउंड की शेप में होती है, वो कैसा हो जाएगा, क्राउड सरफेस। और जो सबसे नीचे ये थोड़ा सा ऐसे होता है क्राउड की शेप में, ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर। द स्केल एंड द बुक हैव प्लेन सरफेस, स्केल और जो बुक है उसका कैसा सरफेस होगा, प्लेन। जो क्रिकेट बॉल और बैलून है उसका कैसा होगा, क्राउड सरफेस। ओके, जो जूस की कैन है ऊपर का पार्ट क्या होगा, प्लेन। और जो बीच में है ये कैसा हो जाएगा, जो राउंड की शेप में होता है वो क्राउड, और जो बिल्कुल नीचे है वो कैसा हो जाएगा, सिलेंडर। अब ये टेबल है, टेबल पर ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस। ओके, इसमें कोई राउंड की शेप नहीं है, कोई क्राउड शेप नहीं है, ये होगा प्लेन सरफेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट वर्ड इन इच सेंटेंस। जो करेक्ट होगा आंसर उस पर हमें टिक करना है। ए पार्ट क्या है, द ऑरेंज हैज ए प्लेन क्राउड सरफेस। ऑरेंज के अंदर जो सरफेस होता है वो प्लेन होगा या फिर क्राउड होगा। सरफेस क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, ये भी एक सॉलिड का ही पार्ट होता है। ओके, सॉलिड के एक पार्ट को जिसको हम टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सरफेस। अब ऑरेंज, ऑरेंज की शेप कैसी होती है, राउंड के अंदर होती है, कैसी शेप आ जाएगी उसके अंदर, क्राउड सरफेस। किस पर टिक कर देंगे हम, क्राउड पर। नेक्स्ट क्या है, द बास्केट बॉल हैज ए प्लेन क्राउड सरफेस। बास्केट बॉल है, बास्केट बॉल की सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा या फिर क्राउड होगा। अब बास्केट बॉल है वो प्लेन तो होती नहीं है, कैसी शेप होती है उसकी भी, राउंड की शेप होती है, और राउंड की शेप किसमें होती है, क्राउड के अंदर होती है। कैसी शेप आ जाएगी बास्केट बॉल की, क्राउड सरफेस। नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट, द टॉप ऑफ योर डाइनिंग टेबल हैज ए प्लेन या क्राउड सरफेस। जो आपके घर में भी डाइनिंग टेबल होगी, डाइनिंग टेबल के जो टॉप होगा, फॉर एग्जाम्पल जो ये टेबल है इसको हमने मान लिया कि डाइनिंग टेबल है, अब इसका टॉप क्या होगा, ये इसका टॉप होगा, अब ये प्लेन है या क्राउड है, अभी तो बताया है ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। कैसा सरफेस हो जाएगा ये, प्लेन सरफेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, लास्ट पार्ट, द इरेजर हैज ए प्लेन क्राउड सरफेस। इरेजर के अंदर कैसा सरफेस होगा, प्लेन होगा या क्राउड होगा, इरेजर पर प्लेन सरफेस होगा। ओके, उसके अंदर कोई राउंड की शेप नहीं है, कैसा हो वो, प्लेन होता है। ओके, आज हमने क्या बता, सॉलिड्स, सॉलिड्स फिगर्स कौन सी होते हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। एग्जाम्पल्स जो हमारे डेली लाइफ के अंदर होते हैं वो हमने यूज किए। फिर हमने किया नेक्स्ट, प्लेन सरफेस कौन से होते हैं, क्राउड सरफेस कौन से होते हैं। ओके, सरफेस क्या होता है, जिनको हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं सरफेस। जो ये स्केल और बुक है इसको, ये कैसे सरफेस है, प्लेन सरफेस। नेक्स्ट क्रिकेट बॉल और बैलून था, ये कैसे सरफेस थे, क्राउड सरफेस। कैन था, कैन के ऊपर का पार्ट कैसा था, प्लेन सरफेस। और जो मिड में होता वो कैसा था, क्राउड सरफेस। और जो नीचे होता वो कैसा पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। कि जो क्यूब, क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे, कितने एजेस होंगे। ओके, इनको हम कल करेंगे, क्यूबॉइड के अंदर कितने वर्टिसेस होंगे, कितने फेसेस होंगे एंड कितने एजेस होंगे। आज आपको करना है 4.3 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन को अपनी बुक के अंदर फील करना है, मीन्स टिक करना है, यहाँ तक आपको करना है।